हाय गाइस, वेलकम टू हेल्दी विद मीनल। और आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जो हम कर सकते हैं टू अवॉइड बैक पेन। नाउ बैक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों में। ये एक्सरसाइजेस कोई मेडिकली प्रिस्क्राइब नहीं है। अगर आपको कोई मेजर बैक इशू है तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं जो मैं आपको एक्सरसाइजेस बताऊं उसके लिए, लेकिन ये ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनको करने से हम बैक पेन को अवॉइड कर सकते हैं। सो प्लीज टेक देम एज दोज एक्सरसाइजेस। मेनली यहां पर हम कोर की स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कोर के मसल्स को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो हमारी बैक को सपोर्ट कर सके और बैक को एक्स्ट्रा लोड प्रेशर ना लेना पड़े। सो लेट्स सी व्हाट एक्सरसाइजेस वी कैन डू। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है फोर आर्म प्लैंक्स, जिसमें आपको अपनी एल्बो अपने शोल्डर्स के साथ 90 डिग्री की लाइन में रखनी है और फिर अपने एब्स, ग्लूट्स, पूरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करके होल्ड करना है फॉर मैक्सिमम टाइम। अगर आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है नॉर्मल प्लैंक तो आप अपने हाथ किसी टेबल, सोफ़ा, बेड किसी पे भी ऊपर रखकर सेम चीज़ होल्ड कर सकते हैं विद बैक स्ट्रेट। अगर एडवांस्ड वर्जन करना है तो आप एक लेग एट अ टाइम उठा के रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है साइड प्लैंक होल्ड्स। इसमें भी हमें अपने ऑब्लिक्स के मसल्स बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड रखने हैं और होल्ड करना है टॉप पोजीशन पे। अगर ये आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एक नी फोल्ड कर सकते हैं। अगर हम एक एडवांस वर्जन करना चाहते हैं तो हम एक लेग एट अ टाइम उठा सकते हैं और सेम पोजीशन में होल्ड करके रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बर्ड डॉग, जिसमें हमें ऑपोजिट लेग और आर्म उठाना है और टॉप पोजीशन पे होल्ड करना है फॉर 1 or 2 seconds। यहाँ पे भी हमें अपना कोर टाइट रखना है, बैक स्ट्रेट, ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट योर ग्लूट्स, योर बैक विल आल्सो बी यूज्ड हियर। बॉडी वेट शिफ्ट नहीं करना है किसी भी साइड पे, बॉडी वेट सेंटर में रहना चाहिए और कोर यूज होना चाहिए। अगर आपको वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप एक वॉल या किसी भी चीज़ का एक साइड से सपोर्ट लेकर सेम एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं और टॉप पोजीशन पे थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। दोनों साइड पे इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। कोर टाइट रखना है एट ऑल टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। यहाँ पे हम कंटिन्यूस रेप्स कर रहे हैं लेकिन टॉप पोजीशन में स्क्वीज करके ग्लूट्स को हमें होल्ड करना है फॉर 1 or 2 seconds। कंट्रोल्ड रेप्स होने चाहिए और आपका कोर टाइट रहना चाहिए। इसके हम मैक्सिमम रेप्स करेंगे। अगर ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप रेप्स की जगह सिर्फ एक ग्लूट ब्रिज होल्ड कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम टाइम ग्लूट्स को स्क्वीज़ करके। डिफ़िकल्ट वर्जन करने के लिए हम सिंगल लेग ग्लूट ब्रिजेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपने एक फुट को थोड़ा सा ऊपर प्लेस किया हुआ है, दोनों लेग से ये परफॉर्म करना है। लास्ट एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन। जितना हम मैक्सिमम ऊपर जा सकते हैं उतना हमें जाना है और ऊपर 1 या 2 seconds होल्ड करना है। नेक इन लाइन आपके बैक के साथ रहनी चाहिए। अगर इसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन करना है तो आप अपने लेग्स को और आर्म्स को एक साथ ऊपर उठा सकते हैं और टॉप पोजीशन पर होल्ड कर सकते हैं। आप अपने बैक और ग्लूट्स के मसल सबको कॉन्ट्रैक्ट करके ऊपर होल्ड करेंगे।
तो गाइज वर्कआउट करो, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वर्कआउट कैसा लगा और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई सी यू, बाय।